अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। यहाँ पे सुबह का टाइम था और नाश्ते का ही टाइम था, जाहिर सी बात है। तो मैं नाश्ते में आज बन रहे हैं पराठे और फ्राई एग सबके लिए, और आज तो मैं भी ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मैं वैसे गर्मियों में नहीं खाती इतना ब्रेड एग वगैरह या रोटी के साथ पराठे के साथ जो है। तो इसलिए जो है ना, आज मौसम चेंज हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैं अब चाय भी बना रही हूँ। सर्दियों में जो है ना, हम चाय भी रेगुलर ही पीते हैं, और गर्मियों में जो है ना नहीं हम पीते, लेकिन सर्दियों में रेगुलर पीते हैं हम लोग। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, अपने और अली के लिए बना रही हूँ चाय। तो पिछले दिनों में जो बारिश हुई है ना, उससे मौसम जो है ना काफ़ी चेंज हो चुका है। तो हमारा जो है ना, वैसे भी जो है रूम और बाहर हाल में जो है विंडो है, तो काफ़ी जो है ना उधर से ठंड आती है। तो हमें तो जो है ना मौसम चेंज ही लगता है। और जिन मेरी मम्मा का घर जो है ना, वो बंद बंद है, तो वहाँ पे जो है ना अभी भी एसी यूज़ कर रहे हैं, गर्मी लगती है वहाँ पर। लेकिन हमारे घर में तो जो है ना पंखे भी बंद हो चुके हैं तकरीबन। तो कुछ दोपहर का टाइम होता है जब हल्का सा तब थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है लगाने की, लेकिन जो है ना पंखे बंद हो चुके हैं। मौसम अच्छा सा चेंज हो गया है, और काफ़ी दिनों से जो है ना मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर का जो है ना निकाह था। अगर आप लोगों ने मेरी वो लाइव वीडियो देखी होगी, तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल से देख सकते हैं। लाइव जो स्ट्रीमिंग थी मेरी निकाह की, सिस्टर के निकाह की, तो ज़रूर देखिएगा वो आप लोग। आपको जो है ना, मुझे उम्मीद है कि मज़ा आएगा देखने में। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने दूध भी जो है ना वो मैंने निकाल लिया हुआ था, तो अब उसको भी ये चाय बनाने के बाद जो है ना मैं दूध बॉयल करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर हमारी चाय जो है ना वो रेडी हो गई हुई है, और मैं बस अब हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता के दौरान जो है ना क्या हुआ था कि चाय दूध जो मैं रख के गई हुई थी ना बॉयल होने के लिए, वो उबल गया था। और यहाँ पे अब शाम का टाइम है। शाम के टाइम जो है ना अली ले आए थे, फ़िश ले आए थे कि फ्राई करनी है। और अली जब लेके आते हैं ना फ़िश, तो अली को बस होता है कि इसको ओवरनाइट नहीं मैं मैरिनेशन करके रखूँ इसकी, बस जो है ना उसी टाइम मैरिनेट करो, और उसी टाइम जो है ना एक आधे घंटे में जो है ना मैं अली को फ्राई भी करके दे दूँ। अली का ना हमेशा यही होता है। तो चलिए रखते हैं फ़िश को, मैरिनेट करके मैं रख दूँगी अभी। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं ना करने वाली थी, फ़िश बनाने वाली हूँ। अली ले आए हैं फ़िश, तो वैसे ये है कि अल्लाह का शुक्र है अली फ़िश जो है वो अच्छी खासी जो है ना साफ़ करवा कर लाते हैं, तो मुझे ज़्यादा जो है ना उस पर उसको वॉश नहीं करना पड़ता। ये देखें, इसकी बिल्कुल साफ़ होती है, सिर्फ इसके ऊपर वो जो नमक लगा कर देते हैं ना, मैंने वही वॉश करना होता है। इसके अलावा इस कोई एक्स्ट्रा जो है ना कचरा नहीं होता इस पर, वॉश करके ही देते हैं, नहीं तो अदरवाइज मेरे से नहीं होते वॉश ना, अली करके देते हैं मुझे। और इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ जो है ना नेशनल का ये फ़िश मसाला जो है ना, बस वही मैं ऐड करने वाली हूँ। और बाकी ये सिरका है, वाइट विनेगर है मेरे पास, इसी में मैं जो है ना सब कुछ इसकी मैरिनेशन वगैरह करूँगी। तो मैंने कहा चलो बना रही हूँ, तो मैं आपके साथ जो है ना डेली की रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो फिर ये भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया आज। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको ओपन करके जो है ना मैं इसमें पहले मैं जो है ना इसमें दो पैकेट्स हैं, एक और है इसमें पैकेट, तो मैं जो है ना अभी एक ही ऐड किया है मैंने फ़िलहाल। अगर मुझे ज़रूरत हुई ना, मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे चाहिए मैरिनेशन और, तो यहाँ पे अब जो है ना मैंने ये देखे सिरके में ही जो है ना सारी इसकी मैरिनेशन करूंगी। अली मुझे बोल रहे थे कि लेमन भी ऐड कर लो, तो देखूंगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं लेमन भी ऐड कर लूंगी इसमें। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज क्या ये जो मसाला लेकर आया हुआ है ना इसमें सूखा धनिया जो है ना, ये देखें क्रश नहीं किया हुआ, साबुत सूखा धनिया है, तो इस
इसको इतना मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी ऐसी कि सारी फिश जो है ना मैरिनेट हो जाए इसे। क्योंकि अगर ज़्यादा पतली हो जाएगी तो वो फिर चिकन, वो चिकन बोल रही हूँ, फिश के ऊपर जो है वो नहीं जो है लगेगा, वो सेपरेट हो जाएगा। तो मेरे हाथ इतना बहुत है, बस ग्लव्स भी हैं लेकिन मैं सोच रही हूँ ग्लव्स पहन ही लेती क्योंकि इसका कलर लग जाता है और बाद में जो है ना इसके ये मिर्चें जो है ना हाथों पे भी लगती रहती हैं, मुझे तो लगती हैं भाई। आप लोगों को लगती हैं तो मुझे बताइएगा, तो मैं पहले ग्लव्स पहन लेती हूँ फिर जो है ना इसको मैरिनेट करती हूँ। तो ले जी मैंने ग्लव्स पहन लिया है, एक हाथ पे ही पहना मैंने बस। अब इसकी मैरिनेशन शुरू कर देते हैं। मौसम चेंज हुआ है अभी थोड़ा सा ही और जो है ना अली फिश ले आए हैं, अब सारी सर्दियाँ जो है ना यही चलने वाला है। बच्चों को भी बहुत पसंद है, अली को भी बहुत पसंद है। वैसे ये है कि माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी खा लेते हैं लेकिन कुछ लोग बच्चों को नहीं देते हैं, हालांकि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है फिश जो है ना। कहते बच्चों ने दूध पीना होता है तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता, मेरे बच्चे दूध भी पी लेते हैं बाद में और फिश भी खा लेते हैं। कहते कुछ होती है खास किस्म की फिश जो जिसके बाद जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि नहीं दूध नहीं पीना चाहिए उसके बाद। पता नहीं अब ये कहाँ तक बात ठीक है, क्योंकि हमारी फैमिलीज में तो यही सुनते आ रहे हैं हम लोग कि भाई फिश खानी है तो दूध नहीं पीना। अगर आपकी फैमिली में भी ऐसा ही है कुछ ना आपके घर में, तो मेरे से शेयर ज़रूर कीजिएगा, या इसका कोई मेन रीज़न है तो वो भी शेयर कीजिएगा अगर किसी को पता है तो। अली चिकन भी लेकर आते हैं ना तो वो भी काफ़ी वाश होता है, मतलब साफ़ किया होता है, क्योंकि मेरे से तो गंदा वाला जो होता है ना ज़्यादा गंद लगा होता है जिसके साथ, वो चिकन भी नहीं वाश होता मेरे से, तो इसलिए जो है ना अली वहीं से शॉप से ही सारा साफ़ करवा कर लाते हैं। तो आज भी जो है ना ये माशाल्लाह से काफ़ी साफ़ थी, बस मैंने वॉश किया है इसको, कुछ भी साफ़ नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगी हुई थी इसके ऊपर। देखिए आपको पूरी सर्दियों में, अब देखिए मैं बताती रहूँगी कि हमने कब कब फिश फ्राई की। फिश फ्राई का ज़्यादा मज़ा आता है, अली जो है ना हम ग्रेवी वाली भी खाते हैं, मुझे तो जो है ना इसकी पसंद है फ्राई की हुई जो है ना। ग्रेवी वाली का जो होता है ना वो अलग मज़ा होता है अपना। लेकिन अगर मुझे ग्रेवी वाली भी बनानी है ना अगर मुझे सालन में, तो वो भी मैं जो है ना इसको ऐसे ही ये मसाला लगा हुआ जो है ना यही वाली मैं फ्राई करती हूँ पहले और फिर जो है ना मसाले में ऐड करती हूँ मैं। यही मसाला जो मैंने लगाया है ना यही वाली फिश को मैं फ्राई करूँगी पहले, फिर जो है ना ग्रेवी में ऐड करती हूँ। ग्रेवी अलग से बना लेते हैं, तो अभी तो मैं इतना इतना लगा रही हूँ। वैसे तो इसको ओवरनाइट रखे ना तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अब अली बोल रहे हैं कि अभी खाएंगे अली, तो इसलिए जो है ना मैं अगर मुझे और चाहिए हुआ तो मैं और लगा लूँगी, बना लूँगी ये जो है ना मैरिनेशन इसकी, क्योंकि मैं तो एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं ऐड करती, ये फिश मसाला में ही सारा कुछ होता है। बस सिरका ऐड करती हूँ, सिरके से ये होता है कि एक तो ये जल्दी गल जाती, वैसे तो ये वैसी फिश जो है जल्दी बन जाती है, लेकिन ये है कि स्मेल नहीं आती है फिश की, जो आती है ना स्मेल वो नहीं आती। और दूसरा ये कि आप जब भी फिश लें इसके ऊपर ज़्यादा नमक ना लगवा कर लाएं, क्योंकि नमक का जो है ना रह जाता है टेस्ट, और अगर हमें इसको फ्रीज भी करना हो ना तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती है अगर फ्रीज भी की हो हमने तो। इसलिए जो है ना अली इसको बिल्कुल लाइट सा जो है ना नमक लगवा कर लाते हैं, कुछ
पहले मम्मा लोग जो थे वो तो मेरी जो है ना आटे के साथ इसको वॉश किया करती थी, लेकिन मैंने तो कभी भी आटे के साथ नहीं वॉश किया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही जो है ना बड़ी अच्छी बन जाती है और स्मेल भी नहीं आती इसकी फ़िश की, क्योंकि मैं सिरके में बनाती हूँ ना तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। अब मैं इसको लगा लेती हूँ जल्दी से सबको, मैं इसको मैरिनेशन लगा के फिर मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह। यहाँ पे देखिए मैरिनेशन जो है ना इसकी हो गई है, मछली मसाला जो था वो मैंने लगा दिया, और ये देखिए सिर्फ एक ही पैकेट जो है ना मैंने इसको लगाया है, ये वाला ये मैं पहन दूँगी, और एक जो है वो इसी में है। और ये होती हैं कफायत चार बीवियों का काम, जो एक में ही मैंने एडजस्ट कर दिया सारा। और कितनी फिश थी अब ये मुझे पूछने का याद नहीं रहा अली से, और जिस चीज़ के लिए मैंने ग्लव्स पहने थे वो ये देखे वही काम हो गया, लेकिन ये कि बचत हो गई, थोड़ा सा ही कलर आया क्योंकि इसमें हल्दी भी होती है तो वो हल्दी वाला जो कलर है ना वो लग गया मुझे इधर, लेकिन ये कि बचत हो गई है। और मैं अली को बोल रही थी अभी के बड़े दो नंबर से लेके आए हैं आप ग्लव्स, मेरे हाथ देखे ख़राब हो गए अभी ग्लव्स पहनने के बाद भी, तो खैर अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, फिर जो है ना मैं बनाऊँगी, क्योंकि अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा मसाला तो इसमें रच बस जाए ना, तो उसके बाद जो है ना ये मैं बनाऊँगी फ्राई करूँगी इसको, तो इंशाल्लाह जब फ्राई करती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है, और ये वाली कढ़ाई जो है ना मैं यूज़ करती हूँ चिकन फ्राई करने के लिए या फिश वगैरह फ्राई करने के लिए, और ये जो है ना साफ नहीं होता मुझसे। मेरी हेल्पर जो है ना वो मुझे बता रही थी कि कोई ऑयल होता है जिससे ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है, तो देखिए अब मैं उसको मैंने बोला ले आना, और फिर ये देखे यूज़ करेगी वो इसको, उसके साथ वॉश करेगी तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी वाकई में साफ़ हो सकती है कि नहीं। ऑयल मैंने रख दिया है, और नूरे भी रो रही है, नूरे को जो है ना ज़ुकाम हो रहा है और बुखार उसको था पहले तो ज़ुकाम, ये पता नहीं क्या मेरे चूल्हे में से आवाज़ें आ रही हैं किसी चीज़ की, यहाँ तो गैस ज़्यादा आ रही है। अली को दिखाना पड़ेगा, अली भी जो है ना सो गया मेरे ख्याल से, इसको जितना मर्ज़ी मना करें, ये देखे मैंने इसको मना किया टीवी नहीं देखना, इसके डॉक्टर ने मना किया टीवी ज़्यादा देखने से, और ये देखिए ये रोना स्टार्ट हो गई है। और आपको क्या प्रॉब्लम है का बात है आपके साथ, आप क्यों रो रही हैं, क्यों रो रहा मेरा बच्चा। और उनका सुबह जो है ना पेपर है, पेपर नहीं टेस्ट है उसका सुबह, और उससे पढ़ा नहीं जा रहा, वो बस इधर उधर हो रही है जब तक मैं खुद लेकर नहीं बैठूंगी उसको। ये देखे इसका रोना देखे, टीवी मैंने जो है ना इसकी इसको विलाद और निक्की नहीं लगा के दिया, तो इसका रोना देख चेक करें, कोई नहीं लगा कर देना। और यहाँ पर देखें जी आपके क्या मसले हैं, क्या मसले हैं, मामा ने आपको ये दूध दी है ना, ये फिनिश करें, चलें फिनिश करें, बाय बाय। इसको नींद मुझे लग रहा आ रही है, इसको ज़ुकाम भी हुआ था। यहाँ पर फिश जो है ना मैंने ऐड कर दी है, और फिश ऐड करते हुए मैं आपको नहीं दिखा सकती थी क्योंकि ऑयल गर्म हो गया हुआ था, और मैंने फिर जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने वो अपना ट्राईपॉड भी जो है वो सेट नहीं किया, और जल्दी से जो है ना मैंने फिर इसमें जो है ना फिश ऐड कर दी, और मैंने थोड़ी इसकी फ्लेम कम की है, क्योंकि जब फ्लेम कम करती हूँ ना मैं तभी मैं इसमें फ़िश ऐड करती हूँ, अगर फ्लेम तेज़ होगी आपकी तो जो है ना इसकी छींटे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी मैंने ऐड किया है ना, अभी मैंने इसको मसाले लगाए थे, ज़्यादा देर नहीं रखा मैंने, तो पानी तो होगा इसमें, ओवर नाइट भी रखे तो पानी होता है थोड़ा बहुत उसमें। अब इसको जो है ना मैं कवर कर दूँगी, मैं कभी भी ऐसे नहीं बनाती क्योंकि इसकी छींटे पड़ती हैं, फिर वो चूल्हा भी गंदा होता है और दीवारें भी गंदी होती हैं, तो इस वजह से मैं जो है इसके ऊपर कवर कर देती हूँ जी। यहाँ पे हो चुकी है मेरी फिश रेडी, अब मैं इसको निकाल लूँगी, ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया इस पर। ये अभी अभी जो है ना अली इसको हिला कर गए हैं, और देखें कितनी ज़बरदस्त सी इस पर कलर आ गया, अब हम इसको एंजॉय करेंगे। सर्दी का मौसम आ रहा है तो आप लोग भी एंजॉय करें ज़रूर लाकर, और इसके काम
फ़िश जो है वो हो चुकी है फ्राई, और यहाँ पर ये जो है अली जा रहे थे बाहर रोटी लेने के लिए, तो ये दोनों इशाल उसको उठा के बाहर ले आई थी, और इसको देखे ना सॉक्स पहनाई हुई थी और ना ही शूज़ पहनाए हुए थे, और ऐसे ही उसको लेके जो है ना इधर खड़ी हो गई थी डोर पे, और वो काफ़ी शाउट कर रही थी नूरे, मेरे ख्याल से बाय बाय बोल रही थी या डैडा को बोल रही थी कि मुझे भी साथ ले जाए। तो यहाँ पर अब जो है मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।